बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ है और बागपत सीएससी पहुंचे हैं, जिसमें एटीएम हेल्थ से जो सेंटर है उसका उद्घाटन किया है। ये वो मशीनें हैं, साफ तौर पर ये लोग दिखाएंगे। सबसे पहले ये वो एटीएम जो हेल्थ की जो हार्ट की जो मशीनें हैं वो साफ तौर पर यहाँ जनपद में पहली बार सीएससी बागपत में रखी गई, जिसको अभी जस्ट दो मिनट पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर यहाँ इनका उद्घाटन किया है। और हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर दिनेश हैं, जो बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या रहा है और इनका मुख्य क्या फ़ायदा मिलेगा जनता को। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आज हमारे जनपद बागपत में पधार कर सीएससी बागपत में निरीक्षण हेतु आए हैं। सीएससी बागपत हमारी 1935 की है, काफ़ी पुरानी सीएससी है। इसमें आज उनके निरीक्षण के दौरान हमने तीन तरह की मशीनें, जो बेसिक मॉडल है एटीएम जिसमें 15 तरह की जांचें होती हैं, हेल्थ एटीएम है, इसमें जो नॉन इन्वेजिव है बगैर ब्लड के जितनी जांचें हो सकती हैं वो जांचें होती हैं, दूसरी इन्वेजिव है जिसमें ब्लड लिया जाता है, ब्लड की जितनी जांचें होती हैं वो होती हैं, और तीसरी जिसमें सब तरह की जांचों के साथ ईसीजी और सब लिपिड प्रोफाइल से लेकर सभी जांचें होती हैं, समस्त तरह की जांचें 60 तरह की जांचें हैं वो हो जाती हैं। जनपद में ये किन किन अस्पतालों में आगे जनता को सुविधा मिलेगी या मुख्य तौर पर यहीं ये सुविधा मिलेगी? ऐसी बागपत पे एक रहेंगी, लेकिन अभी इनका ये देखना है कि पोर्टेबल ली जाए या बड़ी मशीन है जिसमें कौन सी सबसे बेहतर रहेगी, उसका चयन करके उनको सीएससीओं पे भेजा जाएगा। सीएम खुद आए हैं, आपको कुछ कह के गए होंगे, स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानकारी ली गई, तो क्या लगा सीएम साहब का रुझान कि जिस तरीके से लोगों से कहा है कि मशीनें सही हैं, बेहतर हैं, इनको लोगों की पहुँच में बनाइए, पहुँचाइए और लोगों को सुविधा दीजिए, इन मशीनों की अच्छी एटीएम है, अच्छी हेल्थ एटीएम है, इनका उपयोग करें, जनता को हेल्थ का फ़ायदा दें। यानी जनता को हेल्थ का फ़ायदा होगा, जो ये मशीनें हैं आधुनिक मशीनें जो कि बागपत सीएससी में अभी है आई है, और ख़ुद योगी आदित्यनाथ ने इनका जो लोकार्पण किया है, कहीं ना कहीं हार्ट की ये मशीन है, इसके अंदर तमाम चीज़ हैं। मैं डॉक्टर साहब से फिर पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब एक बार कुछ बताएंगे इस मशीन के बारे में, बताएंगे ये किस तरीके से काम करेगी, कैसे? ये 60 तरह की जाँचें बताई हैं इनमें जो जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम आदमी का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर ये सब फीड होते हैं, उसका प्रोफाइल बन जाता है, उसके बाद अंगूठा लग के आगे भविष्य में भी कभी रिपोर्ट ज़रूरत पड़ती है वो हो जाती है, फिर हम शुरुआत ऑनलाइन जैसा है क्या इसमें? ऑनलाइन होगी, मेल पे रिपोर्ट मंगा सकते हैं, SMS के जरिए मंगा सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। अच्छा, यानी ये वो मशीन है जो आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस है, यानी साफ तौर पर यानी 80 जांचें ये अकेली मशीन कर सकती है, इंसान का अपना डाटा इसके अंदर फीड होगा और कभी भी कहीं भी वो जो इंटरनेट के माध्यम से या कैसी भी अपनी जानकारी ले सकता है, मेल के माध्यम से, फ़ोन नंबर डिटेल के माध्यम से इनकी जो यहाँ मरीज होंगे उनकी जांचें होंगी। अरे कहीं ना कहीं एक तोहफा है बागपत की जनता को लेकर, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कर ये मशीनों का जो यहाँ लोकार्पण किया है, और एक बड़ी बात होगी, अब देखने वाली बात होगी कि जनपद में कितने लोग इसका फायदा उठाते हैं और कितने नहीं। ये वक्त बताया, कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।